बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। इधर इस गिरफ्तारी के बाद जिले के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार मीडिया के सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि 13 सितंबर को बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक की मौत हो गई है। तो लगातार आप बता दें कि दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस तरह के दावे यहां पर किए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर दो आरोपी को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि बेगूसराय गोलीकांड को लेकर दो लोगों के गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पता चला कि गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस जो है इस घटना को उद्भेदन तक ये पहुंच गई है। इस मामले में दो आरोपी को जो शूटर बेगूसराय में शूट की घटना को अंजाम दिया है, उसमें दो आरोपी को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी जब मैंने एसपी योगेंद्र कुमार से बात की है तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि फिलहाल दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है और जो आगे होगी उसके अपडेट दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि ये बेगूसराय पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है कि तीन दिन बाद पुलिस जो है, बेगूसराय पुलिस जो है, घटना का उद्भेदन करने में संभवतः उस जगह तक पहुंच गई है। फिलहाल एसपी ये भी बात उन्होंने बता रहे हैं कि अभी पूछताछ जारी है, फिलहाल जो बात सामने आएगी उसके बाद मीडिया के सामने सारा बात कहा जा सकता है। जी राजेश, बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि जो तस्वीरें सामने आई थी उसी के आधार पर पूछताछ करते हुए, इंक्वायरी करते हुए ये कार्रवाई हुई है। जितेंद्र जी, बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चार तस्वीरें जो वायरल किए थे, उन्होंने साफ तौर से इनाम भी रखे थे, जो लोग इसके बारे में जानकारी दी जाएगी उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही थी, लगातार अलग अलग जगहों पर पुलिस की दबिश थी, बनी हुई थी, जिसके कारण ये दो आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उससे, और जो दो इसमें जो दो और शेष बचे हुए उसके लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभी भी छापेमारी कर रही है। जी राजेश, बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बेगूसराय गोलीकांड मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। तो बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर राजनीति